ये अकेला रहता है? हाँ वही ना। अच्छा मछलियाँ पकड़। हेलो आशन इरंगिया वाला मनो ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറം നിൽക്കാട്ടാ. ബോണിയില്ലേ? स्वागत आपके प्योर रिएक्शन चैनल में, और आज हम लेके आए कुंभलंगी नाइट्स के इंट्रो सीन का रिएक्शन। और कुंभलंगी नाइट्स जो है वो बहुत रेकमेंडेड मूवी थी, और अब देखते हैं इसका कैसा होने वाली है, बिकॉज इस मूवी में फहद फासिल भी है और बहुत सारे जो हमने जो सारे एक्टर्स देखे हुए हैं वो सारे काफी सारे एक्टर्स हैं, तो देख लेते हैं कैसा होगा। और आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फहद फासिल, फहद फासिल, फहद फासिल, इतना बढ़िया जगह पे इनका स्कूल है। क्या ये साउथ की मूवीज में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस होती हैं यार, सच में। से हमारे यहाँ पे तो कहीं ग्रीनरी है ही नहीं कहीं पे। तेरी जगह पे नहीं होगी। हमारे यहाँ पे तो है। ये प्लेस कौन सी है प्लीज कमेंट में बताना ना, बहुत सुंदर जगह है। अरे वाह, ओ नाइस। ഇനി വെക്കേഷനിൽ എന്താണ് പരിപാടി? എന്തുല്ല, എന്താ പരിപാടി? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഇടാ. എന്റെ സാമ, നീ എങ്ങനെ പോണ? ഞാൻ ആദ്യം വരും. നീ വണ്ടിയിൽ എന്നെ കൂട്ടുവോ? പോരെ, കാളെ വർക്കാ. ഓ ये वो लग रहा है, बोर्डिंग स्कूल लग रहा है। लुलु मॉल क्या हो गया? रांगी अपो बिट्टा लो। रांगी कड़ा मासी में इंदा कर रही हो हीट ले चिकन पॉक्स आदा चोने अभी कम सुनने को मिलता है। कोई और प्रॉब्लम है? अरे ओ, वो देख क्यों नहीं रही है उसकी तरफ? अरे वो बच्चों ने डूबने का ट्रॉमा है उसे। अपने घर से डर लगता है क्या? कुछ हादसा हुआ ऐसा लग रहा है उसके साथ, है ना? ये अकेला रहता है? हाँ वही ना। अच्छा मछलियाँ पकड़। हेलो आशन इरंगिया वाला मनो ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറം നിൽക്കാട്ടാ. ബോണിയില്ലേ? Thank you.
ये कोई और है? नहीं वही है, यही इसी में ही बन रहा था ना खाना। नहीं पर ये आदमी कोई और लग रहा है। चकना उकना भी नहीं खाया उसने कुछ साथ में। बहुत ज्यादा भूखा है। ओह कुत्तन फ्रॉम मंजुमल बॉयज। ये मेरे को लग रहा है ये फ्यूचर में है, ये अपना मतलब ये बड़ा हो गया अभी। हाँ अच्छा सब कुछ इतना वैसे का वैसा ही है। ओले तो नीट। वो लिस्ट्रीन की तरह क्यों पी रहा है वो? कूली करनी हो उसे। धुएं निकल रहे होंगे। नहीं नहीं वो नहीं, तेरा देखा। When you use 100% of your brain, what happened? Dad's Remembrance Day. दे बोनी पहले। That's Remembrance Day. वो होता है ना बरसी होगी। बरसी बरसी। तो ये तीनों भाई है? लगता है ये सबसे बड़ा वो सेकंड नंबर और वो छोटा। ये इनको हमने पहले देखा है ऐसा लग रहा है मेरे को। जैसे ही उन्होंने बोला ये इंस्टेंटली ये तो पूजा करने आ भी गए। नकलीपन കുടുംബം നീ കഴിച്ചിട്ട് മുള്ളിച്ച് മാറി കിടന്നുറങ്ങടാ നീ ആരാണ് ഇവനെ അവനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഇവനെ കണ്ടക്കാളെ കഞ്ചാവ് വിളിച്ചോടൊപ്പം ഇവന്റെ പരിപാടി താൻ പിന്നെ വലിയ പണിക്കാരനാണ് താനാ തമിഴ് നോക്കിട്ടല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് താനാ തമിഴ് നോക്കിട്ടല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം വെച്ചിടോ സജി അതൊക്കെ പണ്ട് വരക്കാലത്ത് എന്തിനാണ് അഭി ക്യാ ബോഡി ദിഖാനെ കി ജറൂരത്ത് ഹൈ ഓ പാഗല ഹോ ഗയേ ഓർ കിത്ത റിയൽ ലഗ് റഹാ ഹൈ ഓ वो क्या दबा दिया हाथ फंसा हाथ फंसा नहीं है वो दबाया अरे निकल जाएगा भाई दुख रहा होगा उसको अरे छोटा भाई है बड़े भाइयों को देखो एक्चुअल में यही बड़ा भाई है मेरे को तो लग रहा है मां
1 2 3 इससे क्या होता है? अलग हो जाने का 3 पे भाई, ये पापा है उनका। हेल सेम मेरा भी നിന്റെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഏതോ സ്ഥലത്ത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, നാലാളെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളെ മീൻകാരൻ എനിക്ക് പുച്ഛം പുച്ഛം നിന്റെ മുഖമുണ്ടല്ല, നിന്റെ മുഖം ഇപ്പൊ കണ്ടാണ്ടല്ല, റോട്ടിലിട്ട് ഒരച്ച് കൃഷ്ണൻ എന്താന്ന് എഴുതാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങളോ क्या लोग है यार, पागल है। बाहर से कुछ देखता हुआ आ रहा है, इनके घर में ये चल रहा है भाई। दूर से तो क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है, इनको पता है। ओ ये हमारा जो फंसा था मंजुमल बॉयज में, और रिवर्स नहीं जा रहे वो लोग। कहाँ आ गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया। पर ये ऐसे कहाँ रहते हैं जहाँ पे लोग बोट से आते हैं? यार माछी मार यार। मतलब उसने खाया नहीं क्या? एक पीसफुल वाइब दी गई, जैसे वो आप जैसे सोते टाइम आप ऐसे ही म्यूजिक बजाते ना, वो वैसा फील दिया। पर ये था कि मतलब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दिखाया कि लड़ाई वड़ाई इन सब चीज़ें भी एक शांति है और एक चीज़ है जो कंटिन्यूस है इस पूरी मूवी के अंदर। और साथ में देखा जाए तो वो लोग कैसे बच्चे की तरह लड़ रहे थे, और ये बहुत बार होता है घर के जो बड़े होते हैं ना वो बच्चे की तरह रहते हैं, और जो बच्चा होता है वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि वो लोग उसको संभालते हैं और समझाते हैं, और वही यहाँ पे हो रहा है। सच में मतलब वो जो छोटा बच्चा है ना, मेरे को तो इतने सीन में इतना पता लगा कि ही इज़ वेरी मैच्योर। मतलब वो बहुत थक चुका है इनकी लड़ाइयों से, और इनका और इसको मतलब एक अलग ही एक सपने दिखते हैं उसकी आंखों में, अलग ही एक होप दिखती है कि कुछ निकलना है कुछ करना। हमको स्टोरी का कुछ पता नहीं है, जॉनर भी मुझे तो नहीं पता, पर ये मेरे को लग रहा है कि ये और ये जो सॉन्ग आया था कितना पीसफुल सॉन्ग था। मतलब सच में मैं सोच रहा हूँ भी मैं साउथ की सारी लैंग्वेजेस सीख लूँ ताकि मैं प्रॉपर रियल में इन सॉन्ग्स को एंजॉय कर पाऊँ एक्चुअली। और वो क्या स्टार्टिंग है, स्कूल कितनी अच्छी जगह पे था। तो आप लोगों को एक ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करिए।